भारत और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर वर्ल्ड कप 2019 का 22वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हरा दिया। इस मैच में टीम इंडिया के उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शतक लगाकर टीम की जीत की नींव रखी। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 337 रन का लक्ष्य था, लेकिन बारिश की वजह से मैच 40 ओवर का कर दिया गया। इस तरह पाकिस्तान की टीम 40 ओवर में 6 विकेट खोकर 212 रन बना सकी। इस तरह टीम इंडिया को डकवर्थ लुईस के नियम के आधार पर 89 रन से जीत मिली। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के इतिहास में रिकॉर्ड 7वीं बार हराया है। पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज फखर जमा ने 62 रन, इमाद वसीम ने नाबाद 46 रन और बाबर आजम ने 48 रन बनाए। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव और विजय शंकर ने 2-2 विकेट लिए। कब कितने रन से जीती टीम इंडिया वर्ल्ड कप 1992 सिडनी, भारत 43 रन से जीता। वर्ल्ड कप 1996 बेंगलुरु, भारत 39 रन से जीता। वर्ल्ड कप 1999 मैनचेस्टर, भारत 47 रन से जीता। वर्ल्ड कप 2003 सेंचुरियन, भारत 6 विकेट से जीता। वर्ल्ड कप 2011 मोहाली, भारत 29 रन से जीता। वर्ल्ड कप 2015 एडिलेड, भारत 76 रन से जीता। वर्ल्ड कप 2019 मैनचेस्टर, भारत 89 रन से जीता। रोहित शर्मा बने हीरो। वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान खिलाफ भारत को मिली इस बड़ी जीत में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को जमकर मार लगाई है। रोहित ने 114 गेंदों में 14 चौके और 3 छक्के की मदद से 140 रन बनाए। रोहित शर्मा को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इस वर्ल्ड कप में ये रोहित शर्मा का दूसरा शतक था। 40 ओवर का हुआ मैच। बारिश से बाधित इस मैच में पाकिस्तानी साइड के 10 ओवर कम कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 30 गेंदों में 136 रन बनाने थे, जो कि नामुमकिन था और यही हुआ। बारिश ने फिर रोका खेल। 35वें ओवर के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई है और मैच को रोक दिया गया है। अगर आगे मैच नहीं भी होता है तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर भारत की जीत पक्की है। अगर ये मैच आगे नहीं भी खेला गया तो भारत को 86 रन से जीत मिलेगी। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज आउट हुए। पाकिस्तान का 6ठा विकेट सरफराज अहमद के तौर पर गिरा। उन्होंने 30 गेंदों पर 12 रन बनाए। सरफराज को विजय शंकर ने अपना दूसरा शिकार बनाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान ने 34.1 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। 30 ओवर के बाद पाकिस्तान स्कोर 140/5। पाकिस्तान ने 30 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को यहां से जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने हैं, जो कि नामुमकिन लग रहा है क्योंकि कोई बड़ा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद नहीं है। मलिक आउट हुए। पाकिस्तानी बल्लेबाज शोएब मलिक हार्दिक पांड्या की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। बड़े मैच में मलिक बिना खाता खोले पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार हुए। इस विकेट के बाद भारत की जीत लगभग पक्की हो गई है। हफीज आउट हुए। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद हफीज 9 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर विजय शंकर के हाथों कैच आउट हुए। फखर जमा आउट हुए। पाकिस्तान के दूसरे सलामी बल्लेबाज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में भारत के खिलाफ शतक ठोकने वाले फखर जमा कुलदीप यादव की गेंद पर युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट हुए। फखर 75 गेंदों में 62 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम क्लीन बोल्ड।
पाकिस्तान के नंबर 3 बल्लेबाज बाबर आजम को कुलदीप यादव ने 48 रन की निजी स्कोपर क्लीन बोल्ड कर दिया। फखर जमा की 50। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमा ने 69 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। फखर जमा की वर्ल्ड कप में ये पहली 50 है। 20 ओवर का खेल समाप्त। पाकिस्तान ने 337 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में एक विकेट खोकर 87 रन बना लिए हैं। इस समय क्रीज पर फखर जमा और बाबर आजम हैं। 15 ओवर का खेल खत्म। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। इस वक्त क्रीज पर फखर जमा व बाबर आजम मौजूद हैं। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी हो चुकी है। मैदान पर नहीं उतरेंगे भुवी। भुवनेश्वर कुमार को हैंगस्ट्रिंग इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ अब मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। भुवी ने इस मैच में 2.4 ओवर गेंदबाजी की और 8 रन दिए।